अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तीन बेहतरीन किस्म की इन्वेस्टमेंट पेरियड हम कराची में लोग अक्सर पूछते हैं, आजकल सवाल भी लिखे जा रहे हैं। सबसे पहले देखें, यहाँ पे 100% रेडी और शिफ्टिंग के काबिल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं उस पर ही इनवाइट करता हूँ अपने सारे कस्टमर्स को कि बहरिया टाउन जो कि आज मेच्योर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ लोग बड़ी तादाद में शिफ्टिंग कर चुके हैं, आप लोगों को चाहिए कि आप यहाँ अपना घर शिफ्ट करें। यहाँ पे जो ऑप्शंस मौजूद हैं, 200 गज, 152 गज, 500 गज, 1000 गज के इस तरह से बने बनाए घर मिल जाते हैं काफ़ी अच्छी कंपेटिटिव प्राइस पे, और बल्कि कुछ एरियाज में तो इतनी कम कीमतें हैं कि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर आज आप लोग एक नया घर बनाने जाएं तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट यानी जितनी लागत आती है उतनी ही प्राइस में आप लोगों को बना हुआ घर मिल जाता है जो फौरी शिफ्टिंग के काबिल है। और यहाँ पे बिजली, पानी, गैस, सेफ्टी, सिक्योरिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल और इकरा यूनिवर्सिटी, इम्तियाज स्टोर और मजीद जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी सारी हैं। रियल इस्टेट का काम तो खैर आजकल ज़्यादा थोड़ा डाउन हुआ, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम जोरों शोर से चल रहा है, और अब जब नए इदारे या नए स्कूल्स वगैरह आ रहे हैं तो उसमें बैंकिंग सेक्टर है तो उसमें फिर काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, तो लोग अपना यहाँ पे रोजगार के लिए भी एफर्ट्स कर सकते हैं। फूड बिजनेस बड़ा कामयाबी से यहाँ लोग चला रहे हैं, उसमें भी आप लोग कोई एक्टिविटी कर सकते हैं अपनी। और ये सबसे पहले तो मैंने जो इन्वाइट किया वो 100% रेडी प्रॉपर्टीज पे, यानी जिसमें विलाज हैं और फिर सेकेंड नंबर पे अपार्टमेंट्स हैं, और अपार्टमेंट के अलावा जो आप लोग कोई यहाँ पे फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, या आप लोग खुद प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन करें, तो ये सबसे पहली कैटेगरी में ये सारी चीज़ें आएंगी। सेकंड कैटेगरी में जो मैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर रहा हूँ वो नाजिन आ रही है रेडी शॉप्स, और रेडी शॉप्स भी वो नहीं जो किसी शॉपिंग मॉल के अंदर है या कोई तीसरे चौथे फ्लोर पर है, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी रेडी शॉप्स आप लोग लें जो ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स, आउटलेट्स, या जिस तरह वेरी हाइट्स में शॉप्स बनी हुई हैं, मिडवे कमर्शियल में बनी हुई हैं, या कोई भी कोई मार्केट्स वगैरह बनी है उसके अंदर, यानी जो इजी अप्रोच, इजी एक्सेस वाली मार्केट है, अब उसके अंदर ये अपनी प्रॉपर्टीज परचेज करें तो ये ज़्यादा अच्छी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। मेरा सेकेंड पहला मशवरा रेडी अपार्टमेंट या विला, और सेकेंड मशवरा जो है वो रेडी शॉप्स लें, और शॉप्स भी वो जो मतलब ग्राउंड लेवल पर मौजूद है, कोई तीसरे चौथे फ्लोर की या बेसमेंट की या कोई दूसरी तीसरी नहीं, क्योंकि आज काफ़ी कम कीमतों में तैयार शॉप्स आप लोगों को मिल रही हैं, आप अपना फौरी कारोबार शुरू कर सकते हैं और फौरी कब्जा भी ले सकते हैं। तीसरी बेहतरीन किस्म की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे प्लॉट्स हैं, और प्लॉट में दोनों कैटेगरीज को ही मैं रिकमेंड कर रहा हूँ जो कि 100% डेवलपमेंट वाले होने चाहिए, कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, दोनों कैटेगरी में हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि इनके रेट्स आज काफ़ी कम्पेटिटिव हैं, बहुत कम है, लोअर बॉटम पे प्राइस आ चुकी है, और इसमें यानी फ्यूचर में जब कोई कंस्ट्रक्शन की फिजिबिलिटी बनाएंगे तो बहुत अच्छा ROI आपको देगी। और इन प्लॉट्स में ये चीज़ याद रखिएगा, सिर्फ डिवेलपमेंट वाले, अलॉटमेंट वाले प्लॉट, कोई आउट ऑफ बाउंड्री वॉल हो, फाइल्स हो, कागज़ के टुकड़े हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी को मैं अप्रिशिएट बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मैं ऐसी प्रॉपर्टीज के लिए आपको इनवाइट कर रहा हूँ जो 100% अलॉटमेंट वाली, डेवलपमेंट वाली और फौरी कंस्ट्रक्शन के लिए यानी दस्तियाब है, और प्लॉट्स लेके भी फौरी मैं कोई कंस्ट्रक्शन का या प्रोजेक्ट करने के लिए आपको इनवाइट नहीं कर रहा, वो उसके लिए बेहतरीन टाइम आएगा, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को उस पर गाइड भी किया जाएगा और आप खुद भी फैसला कर सकते हैं, लेकिन अभी फौरी जो है वो बाइंग टाइम है। साल 2024 को हमने वेट एंड सी वाला सिचुएशन यानी प्लानिंग का साल कहा था, और इसमें कोई मेजर डिसीजन नहीं करने थे, लेकिन इसके पैरेलल जब कोई इस तरह की चांस डील और काफ़ी कम बजट में प्रॉपर्टीज आ रही हैं तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को मिस नहीं करना चाहिए। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए, आपके फीडबैक के लिए, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू सो मच।